Hello friends, good morning, welcome to Arise Intensity Academy. आज आपको शॉर्ट हैंड का चैप्टर हम 17 पढ़ाने जा रहे हैं. जो आपको शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपका जो कोर्स चल रहा है ऑनलाइन, जो आप सीख रहे हैं डेली बाय डेली, तो आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा. इसके बाद एक चैप्टर और है, यहाँ पे हमारा बेसिक जो है ख़त्म हो जाएगा. इसके बाद आपको हम सारे बेसिक के जो एक्सरसाइज हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा. तो प्लीज़ केयरफुली लिसन एंड वॉच वीडियो स्टार्टिंग टू एंड. तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं चैप्टर डिफोन्स, जिसका नाम है पॉइंट नंबर 78 जो है डिफोन्स है. डिफोन्स मीन्स होता है, जैसा कि आप इससे पहले एक पढ़े होंगे डिपथोंग्स, तो डिपथोंग्स का ये उसी का एक पार्ट है जिसका नाम है डिफोन्स. मीन्स कि द कंसेक्यूटिव वोवेल्स प्रोनाउंस्ड इन टू सेपरेट सिलेबल्स रिप्रेजेंटेड बाय अ एंगुलर साइन. मीन्स कि दो से ज़्यादा अगर साउंड, तीसरा चौथा इसके बाद, यानी कंटिन्यू जो वोवेल्स एक साथ सुनाई देंगे पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, उसे हम डिफोन्स कहते हैं. इसमें यही बताया गया है कि डॉट वोवेल्स के लिए जो इसका साइन ये है, जो हमने यहाँ पे दो बार में इंडिकेट किया हुआ है ए और बी करके, ये फर्स्ट वोवेल जो है ये डॉट वोवेल्स का साइन है, रिप्रेजेंट्स ए डॉट वोवेल फॉलोड बाय एनी अदर वोवेल. यानी कि दो से जैसे तीसरा चौथा जो भी साउंड आएगा, ये हमारा डिफोन्स डॉट वोवेल में ये साइन आपको लगाना है, चाहे वो फर्स्ट प्लेस में साइन, चाहे वो सेकेंड प्लेस में, चाहे वो थर्ड प्लेस में, जहाँ जैसा साउंड आएगा उसके साथ आपको लगाना है. दूसरा पॉइंट है हमारा बी, द सेकेंड एंगुलर जो है ये साइन देख रहे हैं, रिप्रेजेंट्स ए डैश वोवेल फॉलोड बाय एनी अदर वोवेल. मीन्स कि डैश का जो साउंड आएगा, चाहे वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, चाहे वो लाइट हो चाहे डार्क हो, उसका एंगुलर साइन आपको ये लगाना है. ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला चैप्टर लगे, लेकिन आपको अगर शुरू से लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा. ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होता है इस शॉर्ट हैंड में, लेकिन आप एग्जांपल के साथ एक एक करके हम बताएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा. पहला वर्ड हमारा है पेएबल. यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल में पेएबल है, तो देखिए बोलने पे क्या साउंड आ रहा है, पे यानी ए फिर बल ल, यानी कि पे एबल, यानी दो से ज़्यादा साउंड इसमें इंडिकेट कर रहा. तो फर्स्ट साउंड जो आ रहा है ए का है, जो ऑन दी प्लेस में हम लिखते हैं, तो हमारा ये पी है और ये बी एल का हुक हो गया, और सेकेंड प्लेस में ये एंगुलर साइन हमने लगा दिया पे एबल. आप देख सकते हैं इजी है पे एबल. दूसरा है से इंग. अब सेइंग में आपको क्या है कि एस बनाना है और इंग बना देना है, और इसमें भी ए का साउंड है, तो यहाँ पे ए का यानी बीच में ही लगेगा, मिडिल में लगेगा, तो ये एंगुलर साइन हमने लगा दिया. तीसरा है कैरिंग. कैरिंग में के है, आर है और इंग है, तो आपको पहले कै री इंग. अब देखिए यहाँ पे साउंड किसके साथ आ रहा है, वहीं पे, तो इंग के साथ यानी थर्ड प्लेस में आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो साउंड है यहाँ पे लग जाएगा कैरिंग. नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइडिया. अब देखिए डिफ्थोंग का साइन भी आया है और इसके बाद कंसेक्यूटिव वोवेल साइन भी, यानी डिफोन्स का भी साउंड आ रहा है, तो आइडिया आई यानी फर्स्ट प्लेस पे बनता है आई डी. अब
आ जो आ रहा है लास्ट में आ रहा है साउंड आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो इसको आप थर्ड प्लेस में यहाँ पे एंगुलर लगा सकते हैं। दूसरा है मैटेरियल। मैटेरियल जो है, मैटेरियल आप देख सकते हैं कि ये हमारा डबलिंग प्रिंसिपल से है। जैसे कि मैटर में क्या होता है कि ये बड़ा यानी डबल साउंड बनाना है फिर एल बनाना है, तो मैटेरियल में आपको डबलिंग करना है। अब डबलिंग है तो इसमें थर्ड प्लेस में ईएल आ रहा है तो यहाँ पे हमारा साइन लग गया। तीसरा है पियानो। पियानो यानी कि थ्रू दी लाइन है और दो साउंड है, पी बना एन बना और यहाँ पे नो पियानो इंडिकेट किया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रेडियो। रेडियो भी सिंपल है, आर बनाना है, डी बनाना है और थर्ड प्लेस में जैसे आर ये अपवर्ड बनेगा, डी बनेगा और यहाँ पे हमारा एंगुलर साइन डॉट वॉयल्स के लिए लग रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा एग्रीएबल। एग्रीएबल जो है जी आर का भी है, एल का भी हुक है और आपको बनाना है एग्रीएबल। ये अग्री एबल। अब देखिए एबल साउंड जो हमारा क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ई एल जो है यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। ग्लोरियस, नेक्स्ट वर्ड है ग्लोरियस, तो जी एल का भी हुक है, आर का भी है एस के साथ, तो जी एल हमारा ये हो गया, फिर आर और ये हो गया ग्लोरियस। री एस, एस यानी कि थर्ड प्लेस में इसका इंडिकेट हो रहा है तो आपको थर्ड प्लेस में यहाँ पे ये साइन लगा देना है। कॉर्डियल जो है, नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डियल। अब कॉर्डियल में आपको ये ध्यान देना है कि सी आर का भी आपने पढ़ा है और डी भी पढ़ा हुआ है, तो कहाँ वो लगेगा ये दिखा रहे हैं आपको, के आर है फिर डी है फिर एल है, तो यहाँ पे आपको ओ बनाना है फिर डी बनाना है फिर एल बनाना है और यहाँ पे लास्ट में ये एंगुलर साइन लगा देना है। तीसरा है सी इंग। सी इंग सिंपल है, जो आपने देखा है एस बनाना है और इंग बनाना है, एस ये हो गया इंग हो गया और यहाँ पे ये हमारा एंगुलर साइन लग गया। इसके बाद है सीरियस। सीरियस आपने पढ़ा है, यहाँ पे एस के साथ सर्कल है तो एंगुलर आप लगा सकते हैं। फिर स्टडिंग, तो स्टडिंग में भी आपको एसटी का लूप बनाना है, जैसे कि ये स्टडिंग है और इंग है, स्टडिंग यहाँ पे थर्ड प्लेस में आप लगा सकते हैं एंगुलर साइन। नेक्स्ट है थिएटर। थिएटर में आपको डबलिंग करना है, बस ईद को ऐसे करके यहाँ पे एंगुलर साइन लगा देना है। नेक्स्ट है वेरियस, तो वी बनाना है आर बनाना है वेरियस, यहाँ पे ये एंगुलर साइन लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा डिफोन्स का 78 पॉइंट नंबर जो है, नंबर वन अभी हमने इसमें पढ़ाया है जिसमें दो कंडीशन था, अब इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे डैश वाला, जो डैश के साथ साउंड आएगा जो एंगुलर टू है। तो आज के लिए इतना ही, जितने भी अब तक हमने वर्ड बताया है अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न या मिस्टेक लगे तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और हमारा ये वीडियो शुरू से ले कर अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।